हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तंत्र मंत्र रिलेटेड चैनल मंत्रलिपि में आप सबका स्वागत है। हेलो दोस्तों, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज मैं माँ लक्ष्मी का एक गुप्त तांत्रिक मंत्र लेकर आया हूँ, जिस मंत्र को प्रयोग करने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएगा। आज इस कोजागुड़ी पूर्णिमा का दिन मैं इस मंत्र को दे रहा हूँ। आज का जो मंत्र लेकर आया हूँ ये गुप्त मंत्र है। ऐसे तो माँ लक्ष्मी का बहुत सारा मंत्र बहुत लोगों के पास में है। आज जो मंत्र लेकर आए हो ये बहुत ही खास मंत्र है, जिस मंत्र को प्रयोग करने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। और जो साधक इस मंत्र को नियमित जप करता है उसका ऊपर में माँ लक्ष्मी धन संपद का बारिश करता है। धन संपद वैभव प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना जरूरी पड़ता है। इस मंत्र को आप अगर नियमित जप करेंगे आपका ऊपर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगा। जिसका ऊपर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होता है उसका घर में हमेशा दरिद्रता रहता है, धन संपद का कमी रहता है, अभाव अंटन रहता है। इसीलिए धन संपद या वैभव प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना जरूरी पड़ता है। आज का जो मंत्र मैं लेकर आया हूँ इस मंत्र को आप अगर नियमित जप करेंगे आपका ऊपर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगा, आपका ऊपर में धन संपद का बारिश कर देगा। ये जो मंत्र है ये बहुत ही गुप्त मंत्र है। माँ लक्ष्मी का बहुत सारा मंत्र आप लोगों को नेट में भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो मंत्र है ये बहुत ही गुप्त मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, और इस मंत्र से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएगा। आज का जो मैं मंत्र लेकर आया हूँ इस मंत्र को आप लोग हर दिन प्रयोग कर सकता है। इस मंत्र को आप लोग अगर कमल के बीज से, पद्म फूल का जो बीज होता है उसका माला होता है, उस माले से आप लोग अगर इस मंत्र को जप करेंगे इस मंत्र का प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। ये जो मंत्र है ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को आप लोग हर दिन 108 बार करके जप करेंगे, एक माला करके मंत्र जप कर लेंगे। एक माला करके मंत्र जप करने से ही माँ लक्ष्मी आपका ऊपर में प्रसन्न हो जाएगा। इस मंत्र का प्रभाव से आपका हर रुका हुआ काम बन जाएगा, आपके पास पैसा आने लगेगा, आपका दरिद्रता मिट जाएगा, आपका घर में सुख समृद्धि आएगा, आपका घर में धन संपत्ति का बरकत होगा इस मंत्र का प्रभाव से। मंत्र को मैं पाठ करके सुना दे रहा। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं कमल कमलाय प्रोषित प्रोषित श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो। यही है मंत्र। मंत्र को मैं फिर से पाठ करके सुना दे रहा। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं कमल कमलाय प्रोषित प्रोषित श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो। यही है मंत्र। आज इस शरद पूर्णिमा का रात्रि को इस मंत्र को आप जितना हो सकता है उतना आप जप कर लेंगे, क्योंकि आज के रात्रि में माँ लक्ष्मी स्वयं स्वर्ग छोड़कर, वैकुंठ छोड़कर इस पृथ्वी लोक में विराज करता है। इसीलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत आसान हो जाएगा। इस मंत्र को आप लोग अगर प्रयोग करेंगे तो माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएगा। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र को हर दिन शुद्ध आसन में बैठकर, पूर्व दिशा कर मुंह करके, सामने में धूप दीप जलाकर, पद्म फूल के बीज जो कमल का गट्टे आता है उसका माला से एक माला करके हर दिन आपको इस मंत्र को जप करना है। एक माला करके मंत्र जप करने से ही माँ लक्ष्मी आपका ऊपर में प्रसन्न हो जाएगा। आपके पास कभी भी धन संपत्ति का कमी नहीं रहेगा इस मंत्र का प्रभाव से। इस मंत्र को आप जितना जप करते रहेंगे उतना आपके पास में पैसा आते रहेगा। ये एक माँ लक्ष्मी का गुप्त मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है। आज का इस कोजागोड़ी का रात्रि में इस मंत्र को मैं आप लोगों के लिए दिया हूँ। इस मंत्र को आप लोग जप कीजिए और माँ लक्ष्मी का कृपा प्राप्त कीजिए। ऐसे गुप्त मंत्रों के लिए, गुप्त जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय माता तारा।